इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे बना सकते हैं, जैसा कि हम वीडियो में दिखाएं इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस को आप कैसे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आपका स्वागत है मेरे चैनल आरएस टेक विवेक में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर इंस्टॉल कर लेना है। काइनमास्टर का मोड एप्लीकेशन काइनमास्टर ओपन करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद ये 16:9 पे क्लिक कर देना है। 16:9 उसके बाद आपको मीडिया पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड पे जाना होगा। बैकग्राउंड पे जाने के बाद आप बैक कलर का बैकग्राउंड ले लीजिएगा। उसके बाद आप जितना साइज का आप स्टेटस को बनाना चाहते हैं उतना साइज कर सकते हैं। तो चलिए हम 19 कर दिए। उसके बाद आपको लेयर पे जाना होगा। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद आपको जिस फोटो का स्टेटस बनाना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना। चलिए हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लिए। आप अपने हिसाब से अपने फोटो का भी स्टेटस बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखता होगा। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मास्क इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये नीचे सेव दिखता होगा, सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फोटो को कटिंग इस हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद सही आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप एडजस्ट कर लीजिएगा, छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर। उसके बाद सही आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इस फोटो को स्टेटस जितना बड़ा आप बनाना सकते उस उतने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से इस फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको ये कॉर्नर पे 3 डॉट दिखता होगा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये डुप्लीकेट एक और डुप्लीकेट बना लेना है इस फोटो को। उसके बाद पहले नंबर वाले फ़ोटो को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये कलर फिल्टर पर जाना होगा। कलर फिल्टर पहले वाले फ़ोटो एक कलर फिल्टर पे जाना होगा। उसके बाद इसको कलर इस प्रकार से ब्लैक दे देना है, कलर को ब्लैक दे देना है। उसके बाद ये सही आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से पहले वाले फ़ोटो को क्लिक करना होगा। उसके बाद ये दूसरे ओवर एनिमेशन इस पर क्लिक करना कर लेना है। ओवर एनिमेशन उसके बाद आपको ब्लैंक सा कुछ इस प्रकार से आप दे देना है। आपको जैसा अच्छा लगे आपको इस प्रकार से आप दे दीजिएगा। तो चलिए हम फिलहाल में ब्लैंक 100 दे देते हैं। ब्लैंक 100 देने के बाद आपको सही पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक ग्रीन इफेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से जाके ग्रीन इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्रीन इफेक्ट को लगाने के लिए लेयर पर क्लिक करना होगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद आप जिस ग्रीन इफेक्ट को जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस फोटो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम फिलहाल इसको एडजस्ट कर लिए। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखता होगा, ब्लेंडिंग इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये स्क्रीन वाले ऑप्शन ऊपर स्लाइड करने पर स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर स्लाइड करने स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस प्रकार से हो गया है। उसके बाद आपको सही आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह स्टेटस पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको प्ले करके दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह पूरा तरह से बन के तैयार हो गया। आपको इस अनुसार से इसको ग्रीन इफेक्ट के अनुसार इसको सारे को एडजस्ट कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने फोटो का भी स्टेटस बना सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको इस तीर आइकन पे क्लिक करना होगा। तीर आइकन पे क्लिक करने के बाद इस फोटो पे जाना होगा। उसके बाद ये शेयर पे क्लिक करने के बाद आप जिस प्रकार से इसको एक्सपर्ट करना चाहते हैं 10-80 जितना में करना चाहते हैं इसको एक्सपर्ट करके आप इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।